हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या स्टाइल्स। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेयर मास्क जो कि आपके डैंड्रफ को और डैंड्रफ की वजह से होने वाली वो अनबियरेबल इचिंग को 100% खत्म कर देगा। हाँ, मैं गारंटी देती हूँ, बिकॉज मैंने इसको कई बार यूज़ करा है। मेरा ये ट्राइड एंड टेस्टेड हेयर मास्क है, तो मैं आप लोगों के साथ में ये 100% कह सकती हूँ कि ये डेफिनेटली वर्क करेगा। और इसमें हमने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो ना सिर्फ आपके डैंड्रफ को ख़त्म करेगा, वो अनबियरेबल इचिंग को भी ख़त्म करेगा और आपके बालों को काफी सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगा। क्योंकि जब हम हेयर मास्क बना ही रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसी चीजें भी डाल लेते हैं जो कि आपके जो बाल डैंड्रफ की वजह से, इचिंग की वजह से, जो स्कैल्प और हेयर जो हमारे काफी ड्राई हो गए हैं उनको भी ये क्योर कर दे। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, हमारे डैंड्रफ और इचिंग तो खत्म होगी ही, साथ में हमारे बाल भी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे। तो चलिए हमारे इस आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, उसके पहले मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगी कि डैंड्रफ पे मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था जिसको आप लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया, थैंक यू सो मच। और उसमें मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि जैसे कि मैंने इस हेयर मास्क को यूज़ करा तो उनके डैंड्रफ तो चला गया, बट क्या होता है कि डैंड्रफ हमारा वापस से फिर से आ जाता है। क्योंकि डैंड्रफ देखो कोई ऐसे ऊपर ऊपर की चीज़ तो है नहीं, ये एक इन्फेक्शन होता है जिसको आपको जड़ से क्योर करना पड़ेगा। तो हमें उसे अंदर से क्योर करना पड़ेगा, उसका जड़ से खात्मा करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आपने करना क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने हेयर मास्क लगा लिया और आप बस भूल गए और आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको इस हेयर मास्क को कम से कम वीक में एक बार तो उसको लगाना है, वीक में एक बार लगाना है, एक मंथ तक लगाना है। वीक में एक बार लगा लो या 10 डेज में एक बार लगा लो, मतलब कि आपको 4 बार तो लगाना ही लगाना है, पूरे एक मंथ तक लगाना है। तो क्या होगा, जैसे ही हमारा डैंड्रफ और इचिंग वापस आने वाली होगी ना, हम उसे पहले से ही ट्रीटमेंट दे देंगे तो जिससे कि वो वापस ही नहीं आ पाएगी। तो मेरी बात समझ रहे हो आप। तो मतलब कि आपको उसको एक मंथ तक लगाना है और 4 बार लगाना, वीक में एक बार आप इसको लगा लो और ये डेफिनेटली वर्क करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इस हेयर मास्क को बनाना कैसे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही हमारे ये ऑर्गेनिक वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस हेयर मास्क को बनाना कैसे है। तो आज हम करने वाले हैं सुकलाइन का वीडियो एडिटिंग और उसमें हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बना रहे हैं सुकलाइन, इसमें एक ग्राइंडर लिया है और ये नीम की पत्तियों को अच्छी तरह से धुल कर जो है ना ग्राइंडिंग में डाल रही हैं। और वेस्ट भी काफ़ी है इसीलिए वॉइस ओवर का जिम्मेदारी हमारे पास में है। तो चलिए हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। अब ये लिया गुड़हल का फूल, जिसे आप हिबिस्कस भी बोलते हो, गांव के लोग नहीं जानते, गुड़हल याद रखिए। और ये ताज़े ताज़े फूल कहीं से लेके आई हैं और शायद ये अपनी ही जो बगीचा है, इन्होंने आपने वीडियोज फूटेज में देखा होगा बनाया है। और उसमें आपको दही 4 चम्मच मिक्स कर लेना है, उसके बाद आप ऑयल इसमें मिला सकते हैं। और ये ऑयल आप जब ग्राइंड कर ले उसके बाद भी मिला सकते हैं, और ये टी ट्री ऑयल या बाद में ही, ऑयल और टी ट्री ऑयल दोनों बाद में ही मिलाइए। ये चीज़ हमने सीखी है अभी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सब चीज़ें हमें पहले से आती, ऐसा नहीं था, अभी जस्ट हमने सीखा और वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो देखिए ये आपका ग्राइंडिंग होके सब चीज़ें तैयार हो गया। अब टी ट्री ऑयल जो मैंने कहा था कि आप बाद में मिलाना है, तो आप 4 बूंद इसमें ड्रॉप डाल सकती हैं। ये महिलाओं का काफ़ी फेवरेट रहता है, महिलाओं की जगह मैं फीमेल इस्तेमाल करना चाहूँगा, हो सकता है कुछ लोग उससे नाराज हो जाए। तो आप अच्छी तरह से टी ट्री ऑयल डालकर और जो ऑयल मैंने 3 ऑयल मिक्स करने के लिए बताया था वो डालकर आप मिश्रण को तैयार कर सकती हैं। अब ये रेडी टू यूज हो गया और सुकलाइन ने इस तरह अपने बालों को अलग अलग किया और बीच में लगाने की कोशिश करी। देखिए इसमें क्योंकि नीम पड़ी हुई है और आज की जनरेशन को नीम की उतनी आदत नहीं है। पुराने टाइम था जब लोग नीम की दातुन वगैरह किया करते, थोड़ा कड़वाहट का उन्हें अंदाजा था, लेकिन नीम की पत्ती की भी अलग सी कड़वाहट होती है। अगर आप लगाएंगी और अगर बाल आपके कहीं आंखों के आसपास आ गए तो आपको इसका थोड़ा सा एक दर्द झेलना पड़ेगा, लेकिन आप बालों को थोड़ा सा पीछे रखकर अच्छे से जो भी आपकी स्कल्प होती है उसमें आप लगा सकते हैं, अच्छे से बालों को किनारे करके और स्कल्प में अच्छे से लगाइए, ठीक है। और ये देखिए मुस्कुराते हुए लगा रही हैं, हो सकता है इनको भी इसका सामना, ये देखिए 2-3 बूंद जो गिरी है ना, ये थोड़ा सा दर्द ज़रूर देंगी। और ये अच्छे से लगाते हुए बालों की, आपको पूरे बालों के लेंथ में नहीं लगाना है, आपको अपनी स्कल्प के आसपास लगाना है ताकि वहाँ आपका ये अच्छा सा असर दिखा सके, ठीक है। इस तरह सारे बालों को अच्छे से, हो सके तो आप पीछे ही रखिएगा और अच्छे से लगाइए, क्योंकि आगे बाल आएंगे तो आपके ये जो लिक्विड मिश्रण आपने तैयार किया ये आगे आएगा और दिक्कतों का सामना रहेगा। और इस तरह आप बालों को पकड़ कर अच्छे से जो है ना आप इस मिश्रण का लेपन कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए लेपन हो चुका है और इसका असर थोड़ा थोड़ा दिखा है, ये आंसू आपको दिखाने की कोशिश शायद की जा रही है और देख सकते हैं। और ये रेडी टू यूज़ हो चुका है, रेडी टू यूज़ के बाद अप्लाई भी हो चुका है। अब आगे सुकलाइन को फॉरवर्ड करते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसके रिजल्ट्स कैसे रहे वो तो आप लोग तभी बता पाओगे जब आप इस हेयर मास्क को ट्राई करोगे। तो ट्राई करने के बाद में कमेंट सेशन में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलेगा। उससे क्या होता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरा जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है, मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो रिसर्च मैंने करी है, अपने ऊपर ट्राई करा है
उसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, माय ऑनेस्ट जेन्युइन एक्सपीरियंस, माय रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और वो चीज़ें आप लोगों के लिए भी वर्क कर रही हैं, तो मुझे तो अच्छा लगता ही लगता है। बाकी जो ऑडियंस जो यू नो वीडियोज़ देखते देखते कॉमेंट्स स्क्रोल कर करके पढ़ते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं जेन्युइन हूँ, और जिन्होंने ट्राई करा है उनको भी जेन्युइन लग रहा है, उनके लिए भी वो चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो उनको और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ता है और उनकी भी हेल्प होती है। बस आपके एक कॉमेंट करने से मुझे अच्छा लगेगा और कई सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी आपका रिव्यूज़ पढ़ने के बाद में। तो कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर भी काम करना स्टार्ट कर सकूँ। तो बस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, खूब सारा प्यार बरसा देना। मिलती हूँ आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।